राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही तारीख को आगे बढ़ाने की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में कोटा में आक्रोशित छात्रों ने राजकीय महाविद्यालय पहुंच करके अपना विरोध प्रकट किया और काले गुब्बारे लेकर के आयुक्त के कार्यालय में विरोध किया। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रों के हितों के साथ में कुटाराघात है। बीए सहित अन्य कक्षाओं के रिजल्ट नहीं आए हैं और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई। छात्रों का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अगर सरकार छात्र संघ चुनावों की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकती तो परीक्षा परिणामों में उनके रिजल्ट जल्दी जारी करे ताकि जिन छात्रों को चुनाव की तैयारी करनी है वो हो सके। राजस्थान सरकार ने चुनाव छात्र संघ चुनाव की डेट दी है उसको लेकर हम निरंतर हर 7 दिन के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और आज हमने आयुक्तालय का घेराव किया और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि चलो आप डेट नहीं बढ़ा सकते परंतु आप कम से कम बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट निकालकर एमए की प्रक्रिया तो शुरू करो। हम विरोध जता रहे हैं कि अभी तक ना सेकंड ईयर का रिजल्ट आया ना फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आया। आप छात्र संघ चुनाव करवा रहे हो जब छात्र अपने चुनाव नहीं लड़ सकता, जब छात्र अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता तो किस बात के चुनाव। अगर सरकार की व्यवस्था नहीं थी तो निकल आते चुनाव। ऐसे छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी बैठेंगे और घेराव करेंगे। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो छात्र संगठन सड़क पर उतरेंगी। कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।